तेरे साथ ये दूसरा फूल कौन है रे? तो फूलवा रानी नहीं बताएंगे। ए बुधवा जी, तू जानता है ने? अपने बड़े बाबू की लड़की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े बाबू की लड़की। नमस्कार, कमाल है, इतने दिन मेरी नजर नहीं पड़ी आप पे। मेरा नाम कालीराम है, नाम तो सुना ही होगा आपने। चल कांचा, फूलवा चल, चल यहाँ से। आप जा रही हैं? अच्छा नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे। ऐ सामने देख। वो आदमी कौन था फूलवा? वो हरियल साहू का लड़का है, बड़ा ही बदमाश है, छोड़ो उसकी बात। टॉमी को देना। ये लीजिए। अरे टॉमी कौन? अरे हम कोई भी सही, पर अभी आप गिर जाती तो हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी। खाई मुझे तो दिखाई नहीं देता। ओ, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, आपने तो मुझे जान बचाई, लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? वैसे मेरा नाम अभिजीत राय है, यहाँ नया नया आया हूँ, यूं समझ लीजिए परदेसी हूँ। अच्छा, फिर तो आपके दो नाम हुए, एक अभिजीत, दूसरा परदेसी। अरे हम कहते हैं कुछ भी समझ लीजिए, जब तक आप मुझे जानते नहीं तब तक परदेसी समझना ही ठीक है। लेकिन आपसे एक बात कहूँ? कही ना। इस हाल में आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए। मैं अकेली नहीं थी, नौकर था, लेकिन वो मेरा कुत्ता अचानक भाग गया ना, और उसके पीछे से वो भी चला गया। कैसे निकट्टू आदमी के साथ घूमने निकलते हो दीदी, ये कांचा तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता, टॉमी उधर भागता तो इधर भागता है। हम कहते हैं या आप इन्हें दीदी कहती हैं और इस तरह अकेले छोड़ के चली जाती हैं। अकेले कहाँ छोड़ा साहब, ये कुत्ता भाग गया था तो हम भी उसके पीछे भाग गए थे। पर चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं इसके साथ चले जाऊंगी, लेकिन आप हमारे बंगले पे आइएगा जरूर। वो सामने हमारा बंगला है साहब। अच्छा, जरूर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चल। अच्छा अच्छा, आपको मिस्टर घोष ने भेजा है। चलिए, आपके बहाने मिस्टर घोष ने याद तो किया। वी आर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। जी हाँ, उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, आपने मुझे बुलाया सर। जी हाँ, आपसे मिलिए। आप है मिस्टर अभिजीत और आप है सुरेश बाबू, हमारे यहाँ के चीफ अकाउंटेंट। हमारे बहुत पुराने दोस्त ने इन्हें यहाँ भेजा है, कुछ दिनों के लिए आप इसी शहर में रहेंगे, अगर कुछ दिक्कत आए तो आप हाथ बटा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए सर, आइए मिस्टर अभिजीत। चलिए, जो है। थैंक यू सर। अरे दीदी, माला किसके लिए बना रही हो? ऐसी कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं? वो कौन? वही परदेसी बाबू। मार खाएगी तुम उससे, भाग जा। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन कहीं वो परदेसी बाबू मिल गए तो हम उन्हें कह देंगे कि हमारी दीदी माला लिए बैठी हैं।